सातवीं आठवीं दसवीं में पढ़ते थे या उससे पहले जब सातवीं आठवीं के आसपास बोलते बेटा बड़ा हो गया क्या बनेगा, तो ये नहीं बोलते थे पायलट बनूंगा, ये बनूंगा, नेटवर्कर बनूंगा, हम बोलते टाटा बिरला बनेंगे। हम सोचते थे ये भी कोई रैंक होता है किसी का, है ना। जैसे आज के जमाने में अडानी अंबानी है, तो अब थोड़ा सा हम जागरूक हो गए, लेकिन उस टाइम इतने जागरूक नहीं होते थे। तो आदमी बोलते थे बेटा क्या बनेगा, बोला टाटा बिरला बनेंगे। तो सारे टाटा बिरला बनने के चक्कर में, तो कौडल्या क्रूज के चक्कर में तो कोई था ही नहीं। अब दूसरा ये ड्रीम क्यों नहीं है हमारा, क्योंकि यहां पे 90% लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं गारंटी से दे सकता हूं, AWPL में आने से पहले ये नहीं जानते थे कि कौडल्या क्रूज क्या होता है। ये सही हूं या गलत? हम ये नहीं कहते कि SLPS वेलनेस में सपने पूरे होते हैं, मैं ये कहूं कि SLPS वेलनेस में वो सपने भी पूरे होते हैं जो कभी हमारे होते ही नहीं, वो आपके पूरे हो रहे हैं, आप उस सपने को पूरा कर रहे हैं। ये सपने हमने कहां सोचे थे? हम लोग बोलते हैं कि ओडी बिंडू मोशनी जय पर हमारा सपना हुआ करता था, कहां सपना था? आप सच बताओ, 90% की अभी भी मैं गारंटी दे रहा हूं, AWPL में काम करने से पहले जानते थे मर्सिडीज क्या होती है? No. हम सोचते थे कि किसी घड़ी बड़ी का नाम होता होगा, BMW क्या होती है, जैगवार क्या होती है, हम तो नहीं जानते थे। जैगवार के बारे में हमने किसी ने सुना तो समझते थे जैगवार वो कंपनी होती है जो बाथरूम में नल लगते हैं, जिसके बाथरूम में नल भी लगते ना जैगवार कंपनी के। ये बाद में समझते भैया जैगवार तो वो होती है जब चलती है तो दुनिया पीछे से देखती है, ये तो बाद में पता चला। तो SLPS वेलनेस में आने के बाद हमारे सपने पूरे होना ही नहीं, नए सपने बने और वो आज हमारे पूरे हुए, और आप सब लोगों ने इस ऐतिहासिक ट्रिप को अचीव किया है। मैं बधाई देते हुए कहता हूं कि आदमी जब कुछ नहीं होता है तो उसके ऊपर कोई लोड नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वो मस्ती में खेल रहा होता है, लेकिन जब वो कुछ बन जाता है तो उसके ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है, चैलेंज आ जाता है और बड़ा मुश्किल होता है उस लेवल को बरकरार रखना। एक बार अगर आप नहीं भी अचीव होते, भारत जो आपकी टीम के लोग हैं चाहे वो आपकी आईडी उनकी आपसे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे कहीं भी हो, उनको कोई नहीं कहेगा कि आप जीते या नहीं जीते, लेकिन आपने जीत के जितना आनंद प्राप्त किया है उससे बड़ा चैलेंज आपने अपने आप से ले लिया है, ये बड़ा पंगा कर लिया है। क्योंकि अगली बार अगर नहीं जीत पाए तो दुनिया ये बोलेगी कि पिछली बार तुक्के में जीत गया, दुनिया ये बोलेगी कि पिछली बार अपलाइन को 2000 SP चाहिए थे और अपलाइन ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको जिता दिया है। अच्छा अगली बार नहीं जीते तो और वजह भी क्या होगी, अगली बार अगर अपलाइन का अटकेगा तो आपके साथ ज्यादा जोर लगाएगा, और नहीं अटका तो इसका मतलब आप अपनी वजह से नहीं जीते। अब आपके पास चैलेंज आ गया है और मुश्किल होता तो शायद इस बार आप कौडल्या नहीं जीत पाते। आसान है इसलिए जब आप ज्यादातर लोग यहां गोल्ड रन अबाउ हैं, गोल्ड से नीचा कोई भी नहीं है। मुश्किल अगर होता तो आप लोग आज से पहले कभी नहीं जीत पाते, आसान था इसलिए जीत गए। लेकिन याद रखना है हम जब एक बार जीत सकते हैं तो हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं, बार बार जीत सकते हैं, और आज हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि अगर SLPS वेलनेस नहीं होती तो शायद हमारी जिंदगी में C4 कैट तो होता, C4 कौडल्या कभी नहीं होता। सही है कि नहीं है? आज अगर SLPS वेलनेस इतना शानदार ट्रिप देने की हिम्मत रखती है तो हम लोगों को भी ये चैलेंज लेके जाना पड़ेगा कि हम लोग भी इसको जीतने की हिम्मत रखते हैं, रखने के लिए तैयार हैं। और हम बोलते ना मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्या अब टारगेट बिना मेहनत के जीत के आए हो? बिना मेहनत तो नहीं जीते, जब पहले दिन आए तो आपको 1900 SP करना पड़ा था और 1900 SP मैचिंग करना अकेले थे, ना प्लान देना, ना फॉलोअप आता था, ना प्रोडक्ट आना था, ना कुछ और आता था, कुछ भी नहीं आता था, ना दिखाने के लिए चेक था। जब आप अपने फोल्डर के अंदर दिखाते थे ये हमारे अपलाइन, ये हमारे अपलाइन, ये हमारे अपलाइन, ये हमारे अपलाइन, तो दुनिया में लोग सारे बोलते थे मिले हो कभी इनसे या फोटो दिखा रहे हो, इस दुनिया में है जितने जागते कभी हाथ लगा के टच किया है? लेकिन अब आप बोल सकते हो कि हम कौडल्या क्रूज में मिले थे, हम लोगों ने इनके साथ सेल्फी ली थी, हम लोग अलग अलग 10 कदम में मिले हैं, किसी और ट्रेनिंग में मिले हैं, लेकिन अब पहले से ज्यादा आपके पास चेक हो गया, प्रूफ हो गया, अचीवमेंट हो गया, प्लान देना आ गया, और आपके पास 20 30 50 100 लोगों की एक्टिव टीम होगी जिसके साथ हम लोग अगर चाहें तो आने वाले टाइम का कोई भी टारगेट हम मिस नहीं कर सकते। अगर इसको आप करना चाहते हैं तो ये सोचिएगा आप जिंदगी में तब जीतते हैं जब ये सोचते हैं कि आज का दिन इस काम को करने के लिए मेरे अंतिम है। आप याद करो, देखो महीने की 30 तारीख आपका 3 वीक में जितना बिजनेस आता है
उससे ज्यादा बिजनेस या डबल बिजनेस आप लास्ट वाले वीक में डालते हैं। बोलिए सही है। हमने तो ऐसा सुना है कि महीने के लास्ट वीक में लोगों की जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं। हम लोगों ने तो बिजनेस में यही सुना है कि लास्ट वाले वीक में बिजनेस कम इसलिए आता है, और याद करो जितने पुराने लीडर रहे थे कि जब हमारी कंपनी में बोनस का चेक लास्ट वीक में नहीं आता था, मंथली क्लोजिंग नहीं हुआ करती थी, वीकली के हिसाब से पुराने टाइम के हिसाब से हम चला करते थे, तब लास्ट के वीक की क्लोजिंग हमेशा कमाया करती थी। और बहाना ये होता था कि लास्ट के वीक में लोगों की जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं, एक तारीख को सैलरी मिलेगी, उसके बाद बिजनेस वापस बढ़ेगा। बोलो ऐसा होता था कि नहीं होता? तो जब ऐसा होता था तो आज बोनस की क्लोजिंग आने के बाद हमारा बिजनेस लास्ट वाले वीक में क्यों बढ़ा? मीन्स पहले हमारे दिमाग के अंदर गोल नहीं था, एक बहाना सेट हो गया था कि ये महीने का लास्ट वीक है इसलिए हम जोर नहीं लगाते थे। अब जैसे ही बोनस क्लोजिंग आ गई तो हमारा बहाना साइड में हो गया और हमारा जो गोल था वो सेट हो गया कि महीने में अगर इस बार तुमने लेवल नहीं किया तो इस लेवल का चेक लेने के लिए एक महीने और वेट करना पड़ेगा, और वो हम करना नहीं चाहते थे, इसलिए हर वीक लास्ट जो क्लोजिंग होती है वो दमदारी से करते हैं।